न्यूयॉर्क में आपको बता दें कि अमेरिका में हुए बर्फीले तूफान से अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैं उन लोगों का दर्द महसूस कर सकता हूं जिन्होंने इस हफ्ते अपने परिवार को खोया है। वहां लगातार खराब हो रहे हालातों से निपटने के लिए सरकार मदद करेगी।